कार बंधुओं का स्वागत करना चाहूँगा कि आज सवेरे बड़ा जल्दी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई है। जैसे कि आप लोग इस बात से अवगत है ही हैं और आप ही के माध्यम से हमें भी ये पता चला है कि कल जो चंबा में केंद्रीय मंत्री चंबा के दौरे में थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो चंबा के दो दिवसीय दौरे पर थे और आप ही के माध्यम से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा कि और देखा क्या, हमें ये मालूम भी हुआ कि क्योंकि अब हमारा जो प्रदेश है ये विधानसभा चुनावों में जल्द जो है 4-5 महीने के अंदर जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सारे केंद्रीय मंत्री जो हैं वो प्रदेशों के जो हैं दौरे कर रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने सब मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं केंद्रीय मंत्री जाके उनका बखान करें। और कल आप ही के माध्यम से हमने ये चीज़ देखी कि केंद्रीय मंत्री जी आए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो चली हुई थी और काफ़ी उन्होंने अपनी सरकार के प्रधानमंत्री जी के जो 8 साल हैं उनके बारे में उन्होंने बड़ा बखान किया और उन्होंने शौचालय और जो घर जो लोगों को सरकार दे रही है उसके बारे में काफ़ी बखान किया और काफ़ी देर तक तकरीबन आधा घंटा जो है एक डेढ़ घंटा जो है वो अपनी बात आप लोगों के समक्ष जो है वो रखते रहे और उसके बाद आप लोगों ने भी बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से उनकी बात सुनी और उसके बाद कुछ पत्रकारों ने बीच में जब ये बात सारी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने में आ रही थी या बीच में पत्रकारों ने जो है चंबा मेडिकल कॉलेज के ऊपर कुछ उनसे सवाल पूछे तो जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बोलने लगे कि आप हमसे शौचालय और मकान के बारे में क्यों नहीं पूछते, आप ये दूसरी तरफ कहाँ जा रहे हैं। और फिर आपने बोला कि ठीक है, हम लोगों ने जो है बड़ी डिटेल में आपकी जो बात है, आपने जो अच्छे काम किए हैं हमने उसके बारे में आपसे पूछा है, लेकिन चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी जो दयनीय हालत है उसके ऊपर कुछ सवाल जो है अभी पूछने ही जा रहे थे, सवाल अभी पूरे तरीके से पूरे भी नहीं हुए। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उठ गए अचानक कॉन्फ्रेंस से और उठ के वो चले गए और उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि इस मुद्दे पर कोई वो जवाब दें। और दुख की बात तो ये है कि जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उस वक्त दो विधायक जो हैं भाजपा के वो उनके साथ बैठे हुए थे, जियालाल जी और पवन नैयर जी उनके साथ बैठे हुए थे, सॉरी विक्रम जयाल जी और पवन नैयर जी जो है उनके साथ बैठे हुए थे। और सरकार की जो नाकामियां हैं पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर जो नाकामियां रही हैं उसकी वजह से जो है केंद्रीय मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के जाना पड़ा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो उनका बचपना था, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि उनको प्रेस को फेस करना चाहिए था, हो सकता है उनको लोकल हॉस्पिटल के मुद्दों के बारे में वो अवगत ना हो, लेकिन लोकल MLA जो उनके साथ बैठे थे वो भी जो है उसके बीच में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और सीधे उठ के वो चले गए, तो ये एक बड़ी ही शर्मनाक बात है। और मैं अपने प्रेस के साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि मौके पे आप लोगों ने ऐसे सवाल उनसे उठाए। पिछले 4.5 वर्ष से अगर मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो मेडिकल कॉलेज आप लोग जानते हैं ये कांग्रेस सरकार की देन है और तकरीबन 4-4.5 साल से मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हम जो है उठाते आ रहे हैं विपक्ष के तौर पर, चाहे वो ज्ञापन की बात करो, चाहे धरने प्रदर्शन की बात करो, चाहे विधानसभा में क्वेश्चन उठाने की बात करो, हर तरीके से हमने सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन अंततः हमें ये लग रहा है कि सरकार जो है इस
मुद्दे पर पूरे तरीके से जो है विफल रही है। डॉक्टरों की ट्रांसफ़र की जाती है, डॉक्टर्स जो हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट कई टाइम से चंबा के अंदर है ही नहीं। हाल ही में भी आपने, हम भी न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते हैं, लोग जाते हैं डिलीवरीज़ के लिए। चंबा जो मेडिकल कॉलेज है वो एक रेफरल हॉस्पिटल जो है वो बन गया है, और टेम्परेरी डॉक्टर्स की जो है पोस्टिंग की जाती है। जब MCI की टीम आती है तो उस टाइम एक डेढ़ दो महीने के लिए जो है डॉक्टर्स की पोस्टिंग जो है चंबा की जाती है, और उसके बाद जब सारे कागज़ पत्र जो हैं वो सारे ठीक पाए जाते हैं तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स जो है वापसी का जो राह है वो पकड़ लेते हैं। कई डॉक्टर्स की जो है सरकार ने पोस्टिंग की है और किसी कारण जो है डॉक्टर्स जो है अपनी पोस्टिंग जो है वो रुकवा लेते हैं ट्रांसफर, और चंबा जो है ज्वाइन नहीं करते हैं। चंबा एक दूर दराज का क्षेत्र है। अभी हाल ही में मेरे को ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री कल आए थे, मुझे ऐसा बताया गया है कि इनका हॉस्पिटल का भी दौरा था, इन्होंने हॉस्पिटल जाना था और वहाँ शायद फ्रूट फ्राट बांटने थे, इनका दौरा था, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल की इतनी दयनीय हालत है, मेरे ख्याल से उन्होंने वो जो दौरा है वो राउंड जो है वो उन्होंने अवॉइड कर दिया और वो सीधे जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर चले गए और वो हॉस्पिटल गए नहीं। शायद उनको ये बताया गया कि अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ लोगों का जो है गुस्सा जो है उनको सहना पड़ेगा, तो उन्होंने वो अवॉइड किया। और केंद्रीय मंत्री जी ने अपनी जो प्रेस वार्ता है उसके अंदर उसको जब शुरुआत की प्रेस वार्ता की तो उन्होंने बोला कि हम जो है कठिन से कठिन जो स्थिति है उसको फेस करने के लिए जो है ये सरकार जो है बिल्कुल तरीके से तैयार है। तो जिस तरीके से वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के गए तो एक कुछ मात्र साधारण सवाल ही उनसे पूछे गए, ये तो कठिन स्थिति नहीं थी, ये तो एक साधारण सवाल थे, तब भी वो जो है एकदम जो है उठ के चले गए। तो ये एक बड़ी ही शर्मनाक बात है। ऐसे ही मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कभी जो है प्रेस को जो है डायरेक्ट जो है प्रेस को संबोधन नहीं करते हैं, वो अपनी मन की बात जो है वो लोगों को बताते हैं, लोगों की मन की बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और इसी कारण जो केंद्रीय मंत्री है, मुझे लगता है मैं चंबा के पत्रकारों को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने, ये केंद्रीय मंत्री थे, मुझे लगता है कि उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ होगा, जिस तरीके से वो उठ के गए हैं उस तरीके से मुझे आभास हो रहा है कि उन्होंने कभी भी ऐसी प्रेस को फेस ही नहीं किया होगा जो उनसे विपरीत सवाल जो है वो पूछे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप राजनीति के अंदर हैं तो कई बार ऐसी स्थिति आती है जब आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके उत्तर देना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना स्वभाव दिखाया, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते आए हैं वहाँ जो पत्रकार थे वो उनके मर्जी के मुताबिक जो है सवाल पूछते रहे होंगे। ये पहली बार है कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन फेस की, वरना वो उठ के नहीं जाते, वरना उन्होंने कुछ ना कुछ इसका तर्क देना था। वो बोल सकते थे कि मैं बाहर का हूँ और मैं जो है लोकल मुद्दों के बारे में आप हमारे जो लोकल विधायक हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही शर्मनाक बात जो है भाजपा के लिए रही है कि केंद्रीय मंत्री आए और सीधे प्रेस से उठ के चले गए। बाकी जहाँ तक जयराम ठाकुर जी की 4.5 साल की मैं बात करूं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, कल वैसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जब ये प्रेस वार्ता हुई तो उस वक्त मैं कहीं दूर दराज के क्षेत्र में था और मैं चाहता था कि मैं कल ही इसका जवाब दूं, लेकिन क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाया और फिर आपका टाइम होता है 7-7:30 बजे का खबर का, वरना ये काम हमको कल कर देना चाहिए था, लेकिन मैं पहुंच नहीं सकता था क्योंकि दौरा मेरा तो कहीं बाहर का था। साथ ही मैं जो जयराम ठाकुर जी के 4.5 साल जो रहे हैं वो मैं सोचता हूँ कि पूरे तरीके से जो है सरकार जो है हर क्षेत्र के अंदर फेल रही है। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप HRTC की बसों का आप हाल देखो, आए दिन बसें जो हैं वो थक गई हैं, और कोरोना पीरियड जो 2 साल से, अब कोरोना पीरियड कुछ हमें निजात मिल रही है कोरोना से, उस टाइम के बाद जो बसें उस टाइम जो चल रही थी उसके बाद बसें जो रूट बंद हुए कोरोना के दौरान वो रूट आज तक जो हैं वो चालू नहीं हुए हैं, और जो बसें चलाई भी जा रही हैं
वो बसें जो हैं उनकी इतनी बुरी हालत है कि बसें आप ही के माध्यम से हर जगह हर रोज अखबार में खबर लगती है कि बस यहाँ खराब होगी। और मुझे तो डर इस बात का लगता है कि हम लोग जो है एज ऑपोजिशन सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, और मुझे डर ये लगता है कि भगवान ना करे किसी दबाव में आके किसी दिन कोई खटारा बस इन्होंने कहीं हाइट वाले इलाके में भेज दी और कोई ऐसी दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। आपको पता है चंबा के अंदर पहले भी एक दो बार बड़ी खतरनाक दुर्घटनाएं हुई हैं, और हमारा दुर्गम क्षेत्र है, कई जगह हमारी सड़कें जो हैं बहुत नाजुक स्थिति के अंदर हैं, और वहाँ जो है बसें जो हैं कम चल रही हैं, कम चलने की वजह से क्या है ओवरलोडिंग हो रही है, और भगवान ना करे कभी कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। और सरकार जो है वो अपनी पीठ थपथपाने से कभी बाज नहीं आती। आप चंबा का मेडिकल कॉलेज देख लो, आप HRTC की सिचुएशन देख लो। साथ ही में मैं बोलना चाहूँगा, आजकल लोगों को, और मैं तो बोल रहा हूँ शहर के ही कुछ इलाके आप ले लो, चाहे आप करिया ले लो, मुगला ले लो, वहाँ पानी की इतनी समस्या है कि आप पूछो मत। कई टाइम से आपको पता है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ड्राई अप हो गए हैं, तो पानी की जो लोगों को किल्लत है वो बहुत उसका मतलब सामना करना पड़ रहा है। आए दिन मेरे को गांव से फ़ोन आ रहे हैं, गांव तो आप छोड़ दो, शहर के अंदर ही कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पूरा पूरा दिन क्या तीन तीन चार चार दिन जो है पानी नहीं मिल रहा है। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज चलो हम मानते हैं कुदरत की मार है, कई बार कुदरत ऐसा ऐसा प्रकोप हो जाता है कि बारिश जैसे अभी तक हुई नहीं है, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि टैंकर्स लगा के जो है जो पीने का पानी कम से कम लोगों को जो है वो मुहैया कराया जाए। कल मैं किसी जगह अफसोस करने के लिए गया था यहाँ मुगला साइड, तो वहाँ काफ़ी लोगों ने मेरे को इकट्ठे होके उन्होंने मेरे को ये चीज़ इस समस्या के बारे में अवगत कराया। मुगला में करिया में आए दिन, और गाँव की तो आप बात छोड़ ही दो, गाँव में तो बहुत बुरी हालत है, कई जगह जो है पानी के जो स्रोत हैं वो सूख गए हैं। तो सरकार जो है मेरा मानना ऐसा है कि बड़ी बड़ी बातों पे वो बात करती है, वो बात करती है शौचालय की, वो बात करती है अपनी घर बनाने की, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम आदमी के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें तो उनका कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों पे वो बखान करते हैं। और इस बार ऐसा आभास हो रहा है कि जयराम सरकार जो है उनको पता है कि जयराम सरकार जो है पूरे तरीके से विफल है स्टेट के अंदर, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है नाम लेके जो है वो मेरे ख्याल से चुनाव में आना चाहते हैं, ऐसे हमें लग रहा है। जिस तरीके से इन्होंने पूरा चक्रव्यूह ये बना रहे हैं, सेंटर के मिनिस्टर आ रहे हैं, और जैसे कल भी हमने देखा कि सेंटर के मिनिस्टर जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स का बखान कर रहे थे। मुझे एक और चीज़ बड़े दुख के साथ बोलनी पड़ती है कि ये पहली बार हमने ऐसा देखा कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम होता है और सरकारी एजेंसीज जो हैं वो जो है लोग इकट्ठे करने के लिए लगती हैं, यानी कि अगर किसी को गैस का चूल्हा मिला तो नेचुरली उनके मोबाइल नंबर्स और राशन कार्ड वगैरह सरकार के पास पड़े हैं, तो उन लोगों को प्रधानमंत्री जी की मीटिंग्स में फोर्सफुली जो है उनको बुलाया जाता है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसी को घर मिला हो। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो है घर जो है वो लोगों को गांव में मिल रहे हैं? ऐसा नहीं है, हमारे टाइम में इंदिरा आवास योजना थी, राजीव आवास योजना रही है, मुख्यमंत्री आवास योजनाएं जो हैं चलती रही हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में लोगों को जो है घर के लिए पैसे नहीं मिलते थे, मिलते थे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके की पब्लिसिटी भाजपा जो है अपने कार्यों का करती है, शायद कांग्रेस सरकार ने इस तरीके की पब्लिसिटी जो कांग्रेस सरकार ने इतने साल जो है देश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इतना बखान जो है अपनी नीतियों का नहीं किया जितना भाजपा कर रही है, मेरा ऐसा मानना है। और सरकारी एजेंसी सरकारी पैसे का दुरुपयोग, करोड़ों रुपए के जो हैं स्टेज जो है बनाए जा रहे हैं, और सरकार जो है उसका सारा खर्चा जो है उठा रही है, और वीडियोज़ आपके क्या बोलते हैं उसको जो सेक्रेटरीज़ हैं
जब प्रधानमंत्री की रैली होती है तो बसें यहाँ से भर के जाती हैं और उनका खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था में जो है सरकारी लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम में अगर कोई रैली होती थी तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स होते थे उनकी ड्यूटी लगती थी या ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स की ड्यूटी लगती थी, वो लोगों को इकट्ठे करते थे और रहने का जो उनका बंदोबस्त होता था, खाने का बंदोबस्त होता था, हम लोग सब अपने पैसे इकट्ठे करके जो है हम लोग ये कार्य किया करते थे। लेकिन ये एक ऐसा जो है प्रेसिडेंट जो है भाजपा सरकार ने जो सेट किया है, करोड़ों रुपए जो है विज्ञापन के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। अभी पीछे ही जो हमारे आदरणीय मोदी जी धर्मशाला में आए थे और एक उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग की थी जिसमें बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया था कि इतने लाख करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है हिमाचल के अंदर आएगी और लाखों करोड़ों रुपए के टेंट लगे और ना जाने प्रधानमंत्री जी भी उसके अंदर आए और खूब एडवर्टाइजमेंट हुई, बखान हुआ। क्या हुआ उसका आज तक? कुछ नहीं। इससे पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने एक सरकार में जब पहले टर्म के अंदर आए थे तो एमपीज ने गांव गोद लिए थे। उन एमपी से ये पूछना चाहिए कि जो गांव उन्होंने गोद लिए थे उन गांवों में कितना काम हुआ है आज तक? सिर्फ वो क्या मात्र भाषण भर तक ही रह गए कि उसमें आगे कुछ जाके कोई काम भी हुआ है? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर स्तर पर जो है, क्योंकि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सेंट्रल मिनिस्टर के जो उन्होंने व्यवहार किया, मैंने उसके बारे में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसलिए मैं सेंट्रल मुद्दों के बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ। बाकी जहाँ तक लोकल मुद्दों की बात है तो मुझे लगता है कि सरकार जो है हर क्षेत्र के अंदर पूरे तरीके से विफल है। अभी हाल ही में आप देखो MRI और CT स्कैन की जो नई मशीनें लगी हैं, रेडियोलॉजिस्ट तक जो है वहाँ आज तक जो है वहाँ रखा नहीं गया है और सिर्फ जो पेशेंट्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं उनके लिए जो है वो सिटी स्कैन मशीन या जो है वो चलाई जाती है। अगर कोई आम डॉक्टर कोई सिटी स्कैन की पर्ची दे दे तो जो है उन लोगों को बेचारों को बाहर जाके जो है सिटी स्कैन करना पड़ता है। कोई रेगुलर यहाँ जो स्टाफ का बंदा नहीं है जो सिटी स्कैन कर सके। ऑपरेशन की डेट्स इतनी लंबी लंबी ऑपरेशन की डेट्स दी जा रही हैं, महीना महीना डेढ़ डेढ़ महीना जो है ऑपरेशन की डेट्स जो है वो दी जाती हैं और उसका कारण ये है कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। महीना महीना डेढ़ डेढ़ के अंदर इतनी लंबी डेट्स देंगे तो पता नहीं कितने लोग जो हैं अपनी जान भी गंवा रहे हैं। जिन लोगों के पास पैसे का समर्थ है वो तो चलो शिमला भी चले जाते हैं, पैसा खर्च करके चलो कुछ ना कुछ इलाज कर लेते हैं, लेकिन जो आम गरीब आदमी है जो बाहर की जो खर्चा नहीं उठा सकता बाहर जाने का, उसका तो जो जीना है वो पूरे तरीके से जो है दुश्वार हो गया है। बाकी मैं एक और चीज़ आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हाल ही में मैं हर जगह एक चीज़ सुन रहा हूँ कि सरकार जो है बच्चों की भर्तियाँ कर रही है IPH के अंदर, PWD के अंदर, आउटसोर्स के थ्रू बोला जा रहा है, आउटसोर्स के थ्रू, और हमें पता ही नहीं है, ना उसका कोई इंटरव्यू हो रहा है, ना उसका कोई अखबार में कोई एडवर्टाइजमेंट है, और हमें सिर्फ पता लगता है कि इस पंचायत में 3 लड़के जो हैं वो फिटर लगा दिए गए। किसने लगाए, कहाँ से लगाए, क्या कर रहा है, कोई किसी को कुछ पता नहीं है। सीधे जो है अपने क्षेत्रों को जो है वो फायदा जो है वो पहुँचाया जा रहा है इनडायरेक्टली, और भाई भतीजावाद जो है भाजपा जो है वो कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है क्योंकि अब इनको लग रहा है कि इनकी स्थिति बड़ी खराब है तो 2-4 लोग जो हैं पंचायत के अंदर जो लोग हैं जो इनसे टूट के चले गए थे उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और उनकी तनख्वाह कितनी है, 3,500-4,000 रुपये तनख्वाह, और उनको आगे ये बोला जा रहा है कि भाई अगर हमारी सरकार दोबारा रिपीट होगी तो हम जो आपको है वो पक्का कर देंगे। ना कोई पॉलिसी, ना आगे की कोई प्लानिंग। ये तो एक तरीके से बच्चों को रिश्वत दी जा रही है कि चलो आपको 3,500-4,000 रुपये मिले 6 महीने के लिए दे देते हैं, सरकार तो इनकी आगे आनी नहीं है, चलो कोशिश कर लेते हैं, शायद अगर हमने 5,000 से हारना है तो चलो 4,000 से हार जाएंगे। अब अपनी साख बचाने की बात हो रही है, हालात ऐसे हो गए हैं। और अभी मैं फिर सुन रहा था कि और
बहुत ज़्यादा जो भर्तियां हैं वो बैकडोर एंट्री से जो हैं वो की जा रही हैं। हाल ही में पुलिस का जो मामला है वो आपके सामने आया, किस तरीके से जो है पेपर जो है वो लीक किया गया और करोड़ों रुपए का जो घोटाला है इसके अंदर किया गया, और अब दुख की बात ये है कि उसको उसके ऊपर लिपापोती की जा रही है। और दिल्ली में कोई प्रेस थी, बोला वहां से जो ये पेपर है वो जो है लीक हुआ। मैं बिल्कुल इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। ये जो लीकेज है ये प्रिंटिंग प्रेस से अकेले से नहीं हुई है, इसके अंदर बड़े लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे। और अभी पीछे यूथ कांग्रेस ने जो है काफ़ी लंबा जो है उन्होंने एक आंदोलन जो है वो किया था, और फिर प्रधानमंत्री जी का दौरा बना हिमाचल का, तो उस टाइम जो है हमारे प्रदेश के बड़े लीडर्स ने उन्हें बोला कि आप थोड़ा टाइम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप अभी इसको इस जो है इसको थोड़ी देर के लिए विराम करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से जो है उस मुद्दे के ऊपर एक शब्द तक नहीं बोला, क्योंकि यूथ कांग्रेस ने एक आवेदन दिया था कि भाई प्रधानमंत्री कम से कम एक या तो किसी रिटायर्ड जज के थ्रू एक इंक्वायरी करा दें या तो फिर सीबीआई के थ्रू इंक्वायरी जो है वो की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शिमला में रिज से एक शब्द जो है उसके बारे में आज तक नहीं बोला। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हायर लेवल पे डिस्कशंस चल रही हैं और हम वेट कर रहे हैं कि अगर इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस जो है इसका बहुत जो है कड़ा संज्ञान जो है इस पर लेने वाली है। और बाकी अन्य कोई मुद्दे अगर आप कोई सवाल जवाब आप करना चाहते हैं। सर आपने मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पे बोला, पहले भी बार बोल चुके हैं, क्या कारण है कि विपक्ष प्रोटेस्ट नहीं कर रहा? विपक्ष पिछले 4.5 सालों से, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की शुरुआत में मैंने ये चीज बोली कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर चंबा शहर के अंदर कोई रहा है तो वो मेडिकल कॉलेज का ही रहा है, क्योंकि शुरुआत मेडिकल कॉलेज की जो है कांग्रेस सरकार का जो देन है, गुलाम नबी आज़ाद जी और राजा वीरभद्र सिंह जी की ये जो देन है मेडिकल कॉलेज रहा है। और हमारे टाइम में फैकल्टी जो थी मेडिकल कॉलेज की, आज की डेट के अंदर सिर्फ 45% जो है। कांग्रेस हर बार प्रोटेस्ट करती आ रही है, चाहे धरने प्रदर्शन हो, चाहे आप 4.5 साल से देखो, मैं आपको कई बार बता सकता हूँ, कम से कम अगर 4.5 साल के अंदर हमने 50 बार जो है इस मुद्दे को हमने उठाया है, रैलियां हमने निकाली हैं, सड़कों पे भी हम उतरे हैं, हॉस्पिटल के बाहर जाके भी, हाँ ये जरूर है धरने हमने हॉस्पिटल के बाहर जाके भी हमने ये बात पुरजोर तरीके से उठाई है, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रेंगती है आज तक। और मुझे लग रहा है कि सरकार जो है वो पूरे तरीके से जो है घुटने जो है टेक चुकी है, और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो है सरकार को जो है इसकी भारी कीमत जो है वो उठानी पड़ेगी। सर, केंद्रीय मंत्री हो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए, चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो, कांग्रेस हर बार अपना मुद्दा तो रखती है मगर केंद्र से लेकर राज्य सरकार इसका कोई भी समाधान नहीं निकाल रही है। खास तौर पर जो मूलभूत सुविधाएं जिसमें स्वास्थ्य है, बसेस की बात आपने रखी या भर्तियों की बात रखी, क्या कांग्रेस अगला क्या ऐसा आंदोलन करने वाली है जिससे आपकी बात जनता तक पूर्ण रूप से? अब जो है जनता हमारे साथ है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा जो पीछे चुनाव के परिणाम आए, आपने देखा होगा अब फिर डीजल और तेल की कीमत जो है वो कम कर दी गई है चुनाव से पहले, और इससे पहले भी जब तीन विधानसभा चुनाव और एक पार्लियामेंट्री चुनाव जो कांग्रेस ने पीछे जीते थे उसके इमीडिएटली अगले दिन ही जो है पेट्रोल और डीजल के रेट जो है वो गिरा दिए गए, और उसके बाद जब उन्हें यूपी के चुनाव में और अन्य स्टेट्स के चुनाव में विजय मिली तो उसके एक हफ्ते बाद जो है वो रेट जो है फिर से बढ़ना शुरू हो गए। तो इससे साफ दर्शाता है कि भाजपा जो है सत्ता के नशे में पूरे तरीके से चूर है, उनको ऐसा लगता है कि अब जो है हमें कोई नहीं हरा सकता। हम तो इस बात को जगह जगह उठाते हैं, अपनी पंचायत है, आप जो है हमारे मीडिया वाले हैं, ये सबसे बड़ी कड़ी है सरकार, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, और आपने भी अपना दायित्व जो है बखूबी जो है निभाया है, तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें लगता है कि
अब जो है हमें कोई नहीं हरा सकता, और अहंकार जो होता है वो जो है गिरावट की जो है वो गिरने का जो है पहला कदम होता है। सरकार पूरे तरीके से जो है अहंकार में आ गई हुई है और उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि लोगों को कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, चाहे HRTC की बात है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात है, चाहे पीने वाले पानी की समस्या की बात है। मैं चंबा का पार्किंग की भी बात करना चाहूँगा, वो पार्किंग का काम ऐसे चला हुआ है कछुए की स्पीड से, वो काम चला हुआ है पार्किंग का। और पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मुझे वो पार्किंग की साइट कभी भी पसंद नहीं आई, लेकिन चलो अब इन्होंने कुछ काम करना था, इन्होंने कुछ बखान करना था तो इन्होंने वहाँ काम शुरू कर दिया। मेरा ऐसा मानना है सही पार्किंग की जो साइट थी वो जो हमारा पुराना बस अड्डा है वहाँ से लेके SP की कोठी तक एक बड़ी पार्किंग बन सकती थी, वो पक्का एरिया था। जहाँ इन्होंने पार्किंग का काम शुरू किया है, ये जो मर्जी बोलते रहे कि कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो मतलब आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन नेचर के साथ चुगान जो है हमारी बड़ी पुरानी धरोहर है। मेरे पिताजी के टाइम में भी जो है यहाँ एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हुई थी एक टाइम, और इसका पूरा सर्वे किया गया था और उस टाइम सॉयल टेस्ट करने वाली टीम्स भी यहाँ चंबा आई थी, लेकिन ये आइडिया इसलिए ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि वो हमारे पिताजी वगैरह पुराने टाइम के लोग थे, हांडा जी वगैरह, और उनको चुगान से एक ऐसा लगाव था कि वो इतने मतलब टची थे इस बात के बारे में कि चुगान जो है वो चंबा की शान है, और कोई भी चीज़ जो है क्योंकि चुगान के साथ वो सारी टोले हैं सामने, तो उनको इस बात का खतरा है कि कहीं टोले हिल जाएं या कुछ हो जाए, ऐसा ना हो कि कल को बरसात बरसूत में चुगान को कोई खतरा हो जाए। तो गया तो अभी भी मेरे को बताया है कि सड़क जो है वो नीचे आ गई है। तो मतलब ये पुरानी चीज़ें हैं, इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए। जब आपके पास कोई बेटर साइट अवेलेबल है तो काहे को आपने छेड़छाड़ करनी, वहाँ ऑलरेडी एक साइट थी। और कांग्रेस के टाइम के अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी से हमारी बात हुई थी इसके बारे में, क्योंकि उस टाइम में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि 15 साल से चंबा के अंदर भाजपा का विधायक है, 15 साल से, 10 साल आदरणीय बीके चौहान जी के रहे और अब 4.5 साल जी पवन नैयर जी के रह गए। आए दिन वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस ने चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, क्या करना था कांग्रेस ने 15 साल से, तो कांग्रेस का विधायक नहीं है यहां। हम ही से सवाल हर बार, आपने क्या किया 4.5 साल में, और 10 साल जो पीछे बीके चौहान जी रहे उन्होंने क्या किया? पिछले काल दोनों विधायक यहीं पे से बैठे, मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरियाल, जिला अध्यक्ष जसवील नागपाल, सदर विधायक पवन नैयर जी, तो आप सवाल पूछ सकते हैं उनसे। मैं तो सवाल उनसे पूछ रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। अब जहाँ तक जरियाल जी की बात है तो कुलदीप पठानिया जी मेरे को लगता है उनसे सवाल आए दिन पूछते रहते हैं और आशा जी भी पूछते रहती हैं। मैं तो अपने बारे में बात करूँगा क्योंकि मैंने चंबा से इलेक्शन लड़ी है, तो मैं अपने, वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेजिडेंट हूँ तो मैं कहीं भी सवाल पूछ सकता हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, लेकिन क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र यहाँ है तो मैं तो सवाल हमेशा पूछता आया हूँ कि हमेशा विधायक जी एक ही बात बोलते हैं कि भाई पिछले 60 सालों में जो नहीं हुआ वो मैंने 4.5 साल में जो है वो करके जो है। सरकार स्वास्थ्य के मुद्दे पे तीनों दिग्गज चुप रहे, इसको कैसे देखती है कांग्रेस? इसी के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, इसको इस तरीके से देखती है कि केंद्रीय मंत्री तो चलो वो तो बाहर से आए थे, मैं मान सकता हूँ कि चलो उनको वो लोकल स्थिति के बारे में अवगत नहीं थे, पर वो अवगत थे। वो अवगत इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपना हॉस्पिटल का दौरा रद्द किया, वो इसीलिए किया क्योंकि उनको डर था कि वहां जाके कहीं लोग इकट्ठे ना हो जाएं और लोग पीछे ना पड़ जाएं। और ये देश में इनको भनक लग गई थी कि आउटसोर्स वाले वो तैयार बचे। अब आप इस मुद्दे पर आए, आउटसोर्स की जैसे बात किया हॉस्पिटल में, ये तो कोई बात नहीं ना हुई कि 5 साल रख दिए बंदे, नई कंपनी आ गई, पुराने बंदे निकाल दिए, तो मतलब 5 साल तो उनके पीछे चले गए। देखो हमने तो हमेशा एक बात रखी है, चाहे कोई कांग्रेस का हो, BJP का हो, कोई भी हो, जो बंदा नौकरी कर रहा है उसको जो है बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, ये हमने बात रखी है। लेकिन अब सरकार भाजपा की है, अब ये इनका दायित्व बनता है ये इसको कैसे हैंडल करते हैं। मेरी सरकार, हमारी सरकार होती तो हम डेफिनेटली जो है
इसका, क्योंकि सरकार जो होती है वही मेन ड्राइविंग फोर्स होती है हर चीज के अंदर। हम तो एज अ ड्राइवर जो है अब पूरे तरीके से ब्रेक नहीं लगा पा रहा, ड्राइवर विफल हो गया, तो हम तो बस ड्राइवर को जो है सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंट जो है वो बहुत नजदीक है और जल्द ही जो है इसका जो है कल्याण होने वाला है। चुनाव जीत जाते हैं तो चंबा के लिए क्या नया है? सबसे पहले जो मुझे सबसे एक जो समस्या मुझे जो सबसे एक समस्या जो बड़ी समस्या जो नजर आती है वो है वो 75 वार्ड है और 50 से 60 बच्चे जो है वो बेरोजगार है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे को लेके आएंगे और मैं सबको जो है रोजगार दिलवा दूंगा तो वो एक बोलने में तो ऐसी चीज बोलना बड़ा आसान है, लेकिन लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सही दृष्टि के अंदर दिशा के अंदर जो है हम चलेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एम्प्लॉयमेंट को जो है बहुत एक महत्व दिया है। भाजपा की सरकार आई थी 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन जनरेट तो कहाँ करना, जो बेचारे एम्प्लॉय लगे हुए थे वो भी बाहर निकल रहे हैं। पूरे देश की बात मैं आपको कर रहा हूँ। राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी 2014 से लेकर 2018 तक, उसके अंदर 70,000 बच्चों को जो है एम्प्लॉयमेंट दी गई, 70,000 बच्चों को जो है एम्प्लॉयमेंट दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार के तौर पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। जयराम ठाकुर जी ने तो अभी तक JBT की जो भर्तियाँ होनी है वो भी अभी तक जो है उन्होंने नहीं की। बहुत जल्द जो है प्रदेश अध्यक्ष का जो दौरा है वो चंबा का बन रहा है। मैं आपको डेट इसलिए अभी देना नहीं चाहता क्योंकि अभी फाइनलाइज डेट नहीं हुई है, कल को डेट चेंज हो जाए, लेकिन इस महीने के अंत तक और अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर जो है हमारी आदरणीय अध्यक्षा प्रतिभा राजा वीरभद्र सिंह जी जो हैं वो चंबा आएंगी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे कांग्रेस जन को जो है वो संबोधित करेंगी और आगे की जो कांग्रेस की सोच है, आगे की जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं वो बढ़िया तरीके से जो है सारे लोगों को, आप प्रेस के बंधुओं को भी सबको अवगत कराएंगी। एक बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके साथ यहाँ कराएंगे और आपने जो भी सवाल जो आप पूछने हैं आप उनसे जो है डायरेक्टली जो है पूछ सकते हैं। उनके साथ हमारे कांग्रेस के बाकी लीडर्स भी जो हैं वो उनके साथ आएंगे और कांग्रेस एकजुट है और 2014 का चुनाव जो है हम जो है 2022 का जो चुनाव है वो हम जो है इकट्ठे मिलके जो है लड़ेंगे, सारे हमारे जो ऊपर के लीडर्स हैं, और हम विजय हासिल करेंगे। सर, ये जो पत्रकार वार्ता है, ये जो कल जो कैबिनेट मंत्री पत्रकार वार्ता छोड़ के गए थे बीच में, ये उनके पक्ष में है सर? क्यों? क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं कि उन बेचारों को पता नहीं होगा, तो आप उनका बचाव कर रहे हैं सर? मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं जो उनके साथ जो लोकल MLA बैठे हुए थे मैं उनका कटाक्ष कर रहा हूँ कि उनकी मैं लोकल MLA को आड़े ले रहा हूँ, मंत्री को तो मैं ले ही रहा हूँ। मैंने आपको बाद में क्या बोला उसके अंदर, मैंने आपको ये बोला उन्होंने हॉस्पिटल का अपना दौरा रद्द किया। क्यों किया? क्योंकि वो इस बात से अवगत थे, वो अनभिज्ञ थे, मेरे को लग रहा है वो अनभिज्ञ थे इस बात से, लोकल इशू से अनभिज्ञ। मेरे को मैंने शुरू में ऐसा बोला कि वो शायद लोकल इशू से अनभिज्ञ थे, बाद में देश का मंत्री है जो ऑफिशियल टूर पे आ रहा है वो उस जगह की समस्या से, उस जगह के विकास से कैसे अनभिज्ञ रह सकता है? ठीक बोल रहे हैं, अगर मान ना 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 ठीक बोल रहे हैं आप, अगर मान लो जो लोकल MLAs थे, मैं अगर वैसे तो शायद नहीं थे क्योंकि वो हॉस्पिटल गए नहीं, ठीक है ना, वैसे तो नहीं थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको फिर एक बात बोली है, सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको ये बोली है, बोलना मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी को कभी इस तरीके से प्रेस में किसी ने कहीं क्वेश्चन की नहीं। मुझे पूरा लगता है जहां भी वो दौरे करते आए आज तक, जहां भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करते आए, ही वाज नॉट रेडी टू टेक सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दैट वाज अ सरप्राइज फॉर हिम। उनके लिए नई बात थी कि किसी ने, ये उनकी लाइकी है या नलाइकी है? नलाइकी है, नलाइकी है, नलाइकी है, पूरे तरीके से नलाइकी है, पूरे तरीके से परचाई दे दिया भाई। जहां भी उन्होंने, क्योंकि भाजपा के जितने भी लोग हैं वो हमेशा मीडिया उनकी मर्जी मुताबिक मीडिया आता है, कभी भी उनको ऐसा नहीं हुआ, फिक्स मीडिया आता है जो उनको पता होता है, जो फेवरेबल क्वेश्चन पूछेगा। हमारे जब कांग्रेस के जब हमारे लीडर्स जब मीडिया को फेस करते हैं तो सारे लोग आते हैं, उसके अंदर जो
हमारे से शायद हमारी बात के प्रति ठीक भी नहीं रखते अपने आप को, वो लोग भी आते हैं और सवाल जवाब करते हैं और फिर हम उनका भी सवाल जवाब करते हैं और फिर उस सवाल जवाब में कई बार कई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी का जो सिस्टम है वो पूरा सेट है, ये तो हमने कल ही देख लिया। मेरा ऐसा मानना है कि सेंटर के मिनिस्टर हैं वो कभी भी ऐसे उठ के नहीं जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर उन्होंने कहीं भी ऐसी सिचुएशन फेस की होती, तो मैं यही इस चीज को दर्शाता है कि एवरीथिंग इज मैनेज्ड। मतलब एक डेढ़ घंटा कल मैनेज नहीं था, नहीं सब एक डेढ़ घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चलो व्याख्यान किया उन्होंने केंद्र सरकार या हिमाचल का, अच्छी बात है व्याख्यान किया, पर दो दिन के अपने दौरे में चंबा दौरे में भी चंबा में उन्होंने आके यहाँ पे क्या किया, क्या उपलब्धियां की, किससे मिले, वो तो उन्होंने बताया नहीं, और जब प्रेस वालों ने पूछा तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मीडिया इस तरीके से फर्स्ट टाइम उनको फेस करना पड़ा है, क्योंकि उनका व्यवहार बताता है। सर, एक केंद्रीय मंत्री चंबा में आके लोगों की जान से जुड़े हुए सवाल पे भड़क कर पत्रकार वार्ता को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, और इस घटना को घटे हुए 24 घंटे होने लगे हैं और अभी तक प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो क्या प्रदेश कांग्रेस भी चंबा जिला को राजनीति के मामले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मानती है? सर नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आज जो प्रेस वार्ता मैं कर रहा हूँ, कल एक्चुअली में जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं कहीं फील्ड में था, वहाँ मोबाइल का नहीं। सर, हम प्रदेश कांग्रेस की बात, मैं प्रदेश कांग्रेस की, तो 4.5 साल से जनहितों से जुड़े रहे, लोगों के बीच में रह रहे, लेकिन क्या प्रदेश कांग्रेस ने इस बात की गनीमत नहीं समझी कि वो इतने बड़े नेता की बात को लेकर जो है ऐसा, वो दो शब्द ही बोल रहे थे शिमला से बैठे बैठे? ऐसा है, पहली बात तो वो शिमला में है नहीं, वो इस वक्त जो है टोर पे है, पूरे जो प्रदेश का है अभी टोर चल रहा है, हमारे इस वक्त जो है कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और एक ना डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल हाउसेस चल रहे हैं। क्या इस मुद्दे से बड़ी कॉन्फ्रेंस थी हिमाचल में कोई? अभी आप इस मुद्दे पे जहां भी मेरे मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ही आदेश आया जो मैं आपके आज समक्ष हुआ, क्योंकि सुनो मेरी बात, हालांकि ये तो चंबा का लोकल मुद्दा था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदेश ही करेगी या कुछ खुद भी करेगी? कमाल है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी हमारी नई अध्यक्षा चुन के आई है, सुनो मेरी बात, अभी 24 घंटे हो गए, तो मेरी बात का, तो मेरी बात सुनो, आप बीजेपी जिला चंबा को लाइटली ले रही है, कांग्रेस हाईकमान लाइटली ले रही है। मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जितना महत्व चंबा डिस्ट्रिक्ट को दिया है, मैं बोलता हूं कि भाजपा तो उसका 100वां हिस्सा नहीं दे सकी। आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी की बात ही करें, हम बोल रहे हैं चंबा के लोग जो है वो तड़फ रहे हैं, आप समय समय पर आवाज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पे उठा रहे हैं, आज तक प्रदेश हाईकमान इतना बड़ा मुद्दा हो गया, 24 घंटे होने को आ रहे हैं, दो शब्द नहीं बोल पाए। मेरी एक बात सुनो, चार कार्यकारी अध्यक्ष, अभी आपका एक अध्यक्ष है, आपके जो चुनावी अध्यक्ष है, कोई नहीं बोला सर अभी तक। आपने देखा है कि उनका भी जो बयान है, उनका बयान आपको टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मिलेगा। इस टाइम में क्या है कि हमारे कांग्रेस के अंदर जो है अभी हमारी नई अध्यक्षा जो है बन के आई है, हमारा पूरा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया गठन हुआ है, और अभी तो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे हैं कि किसी को मीडिया का इंचार्ज बनाया जा रहा है, किसी को यूथ का इंचार्ज बनाया है, किसी को दूसरी चीजों का, अभी मतलब हमारा ना पूरा सेटअप जो है, मतलब चुनाव की तैयारी हो रही है, पूरे चुनाव और चुनाव की तैयारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये भी पार्टी की है ना आटा साहब, ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डायरेक्शन से ये हो रही है ना जी, अब ये असेंबली में उठाएंगे इस मामले को, वो दूसरे पार्लियामेंट में मेरे हिसाब से हाईलाइट करें आप, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हम कहेंगे आप इसे हाईलाइट करें, पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाएं, विधानसभा के अंदर इसको उठाएं, और उठाएंगे ये, मैं छोड़ेंगे नहीं इनको। मैं आपको एक चीज, ये केंद्रीय मंत्री बच नहीं सकते हैं हमारी पकड़ से। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, कि मेडिकल कॉलेज की समस्या जो है, सीएलपी लीडर पर्सनली जो है
विधानसभा के अंदर इसके, आप एक काम करो, आप बेशक आरटीआई निकाल के इसका रिकॉर्ड खंगालो कि कितनी बार मेडिकल कॉलेज के बारे में आदरणीय आशक मानी। सर हम मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं जो कल केंद्रीय मंत्री का जो एपिसोड हुआ है उस पर अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रिएक्शन क्यों नहीं आया? आपको बहुत जल्द उनका रिएक्शन मिल जाएगा भाइयों, बहुत जल्दी उनका रिएक्शन मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप। पहला रिएक्शन देखो, पहला रिएक्शन छोटा आदमी देता है, उसके बाद बड़ा आदमी आता है। बहुत जल्दी जो है हमारे जो हाई लेवल पे उठाएंगे ना जी, वो प्रदेश वाले, ये छोटे लेवल पे तो ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी उठा रही है, डिस्ट्रिक्ट का मामला छोटे लेवल का नहीं है, प्रदेश का मामला प्रदेश की तरफ उठाएंगे, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश में उठाएंगे।